यदि भक्ति मार्ग का चित्र देखें संतोषी माँ का, तो संतोषी माँ कमल आसन पर विराजमान है। संतोषी माँ के साथ हम दिखाते हैं उनके एक हाथ के अंदर, इस चित्र के अंदर थोड़ा परिवर्तन है, परंतु वैसे एक हाथ के अंदर खड़ग दिखाते हैं, एक हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, एक संतोषी माँ का हाथ वरद हस्त है और चौथे के अंदर चीनी, जिसे कहते हैं मीठा, मीठा है उसके उनके हाथ में। एक प्लेट के अंदर बहुत सारी चीनी दिखाते हैं, मीठा। इसीलिए जब शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत भी रखते हैं ना, तो खट्टा नहीं खाते हैं। तो संतोषी माँ के साथ एक गाय भी दिखाते हैं और उन्हें सोने के सिंहासन पर दिखाते हैं और नीचे उनके कमल पुष्प भी होता है। तो जो कुछ भी आत्मा को संतुष्ट बनने के लिए, संतुष्ट यानी जैसे आज हमने सीखा, खुश रहने के लिए और खुशी बांटने के लिए, संतुष्टता खुशी इंसान के जीवन में तब आती है जब उसे सर्व प्राप्तियां हो जाती है। संतोषी माँ अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा, जिसको इस संसार के अंदर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का प्रतिरूप है संतोषी माँ, जिसे हम कहते हैं पाना था वो पा लिया और ना बाकी रहा, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है संतोषी माँ। जो याद है बाबा की अंत की बहुत सारी वाणियां जो प्रैक्टिकल चली 11, 12, 13, तो है ना 2011, 12, 13 की जो चली, उसके बाद तो बहुत ही वाइंड अप ही हो गया। तो उसमें बाबा ने बहुत सारे बस मुख्य 2-3 गुणों के बारे में बात की, जिसमें मुख्य गुण था संतुष्टता। तो बाबा हर आत्मा को संतुष्ट मणि के रूप में, संतुष्टता की शक्ति के स्वरूप में देख रहे थे। एक बहुत वंडरफुल बात आपको बताती हूँ, संतुष्टता ऐसा गुण है जो शक्ति भी है, इनफैक्ट एक ऐसा गुण है जिससे सब गुण आ जाते हैं, एक ऐसी शक्ति है जिससे सर्व शक्तियां आ जाती हैं, जिससे सर्व प्राप्ति हो जाती है। जब हम किसी गुण को अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं ना, जब हम सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते हैं, बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा जो होती है वो संतुष्ट आत्मा है। और उस संतुष्टता को, उस प्राप्ति स्वरूपता को हम अप्लाई करते हैं कर्म क्षेत्र पर, प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो वो जो गुण है वो शक्ति रूप बन जाता है। है वो गुण, परंतु जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो हम उसके स्वरूप बन जाते हैं, हमारी शक्ति बन जाती है। और उस शक्ति से, जैसे वो कहते हैं ना कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाते हैं जब हम एप्लीकेशन करते हैं। पहले जब हम बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह चलते हैं, देखते हैं मेरे में कोई कमी कमजोरी नहीं रह गई, वो कमी कमजोरी को पूरा करना, स्वयं से संतुष्टता मिलती है हमें। बाबा की श्रीमत पर जब हम पूरा चलते हैं, बाबा की एक एक कहने पर पूरा चलते हैं, खुद भी संतुष्ट रहते हैं, बाबा भी संतुष्ट रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो ये कि हम सर्व को संतुष्ट यानी परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते। परिवार को संतुष्ट भी वो आत्मा कर सकती है जो आत्मा खुद भरपूर है। भरपूर यानी ज्ञान, गुण, शक्तियां, ईश्वरीय सर्व खजानों से भरपूर। जिसके अंदर भरपूरता है, वो प्रत्येक आत्मा को ज्ञान स्वरूप, क्योंकि ज्ञान की भरपूरता है, तो प्रत्येक आत्मा को उसी दृष्टिकोण से देखती है, क्योंकि ज्ञान भरपूर है, कमी नहीं है। गुणों की भरपूरता है, तो अपने गुण से अन्य आत्माओं के अवगुणों को भी गुणों में परिवर्तन कर देती है। अवगुण देखती नहीं है, जैसे आज बाबा ने कहा, नहीं देखना है, उल्टा दूसरों को भी गुणवान बना देती है। अपने संग के रंग से जो आत्मा अप्राप्ति है, अप्राप्ति स्वरूप है, उनकी अंदर इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उनकी इच्छाओं और तमन्नाओं को भी पूरा कर देती है, उनको भी उस ईश्वरीय प्राप्तियों का स्वरूप बना देती है संतुष्ट मणि आत्मा। तो जो दिखाते हैं एक्चुअली में, जो चित्र में दिखाते हैं, एक हाथ में खड़ग है, तो वो खड़ग ज्ञान की खड़ग है। ज्ञान की खड़ग से हम, खड़ग क्या करती है, मारती है, गला काट देती है,
समूल विनाश कर देती है सामने वाले को। तो ज्ञान के आधार से हम अपनी लाइफ के अंदर आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सदा के लिए विनाश कर देते हैं। ज्ञान को हम जब प्रयोग में लाते हैं तो ड्रामा का ज्ञान प्रयोग में लाते हैं, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान प्रयोग में लाते हैं, तो उस ज्ञान के आधार से हम विकारों का समूल नाश कर देते हैं। फिर उसके हाथ में, संतोषी माँ के हाथ में त्रिशूल भी दिखाते हैं। त्रिशूल जो है वो प्रतीक है, अगर आप देखो तो तीनों कालों, तीनों देव, ना त्रिलोकी नाथ का ज्ञान है, तीनों देवों का ज्ञान है, ना त्रिलोक का ज्ञान है, तीन देवों का ज्ञान है, यानी पता है तीन देव का ज्ञान होना यानी तीनों कालों का ज्ञान होना, स्थापना का, विनाश का, पालना का ज्ञान होना, पूरी तरह ज्ञान स्वरूप है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी नाथ है वो आत्मा। तो ये ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा का प्रतीक है, जो संसार के अंदर जो भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती है उसे हम इस ज्ञान स्वरूप स्थिति से, क्योंकि हम केवल वर्तमान को नहीं देखते, उस कर्म को करने से पहले हम उसका आदि मध्यांत देखने लगते हैं तो गलती नहीं होती। प्रॉब्लम्स जो आती हैं हम उनका कहाँ सामना करना है और कहाँ उस प्रॉब्लम के अंदर हम उसको समा लेना है, वो सब चीजें हम समझ जाते हैं। तो त्रिशूल हाथ में दिखाते हैं और एक हाथ में दिखाते हैं कि उनके चीनी है, एक प्लेट के अंदर बहुत सारी चीनी है, मिठास का प्रतीक है, इसीलिए ताकि हम अपने जीवन के अंदर कोई भी खट्टापन, जैसे आज बाबा ने कहा कि कभी किसी से बुरा नहीं बोलो, निंदा नहीं करो, तो जीवन के अंदर सदा मिठास रहे, सभी मिलजुल कर रहे, हम सदा एक दूसरे के गुण देखते रहे, तो वो मिठास भरते जाए, अपने आंतरिक परिवर्तन से अन्य आत्माओं को भी परिवर्तन कर दे। और चौथा हाथ है, ऐसी आत्मा वरदानी मूर्त बन जाती है। वरदानी मूर्त तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर सारे ईश्वरीय ज्ञान की और शक्तियों की पराकाष्ठा हो। वरदान क्या करता है, आत्मा के केवल ज्ञान की जरूरत नहीं होती, परंतु उस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है। तो जो वरदानी मूर्त आत्मा है वो जब दूसरे को कुछ कहती है तो वो उस आत्मा के लिए वरदान बन जाती है, ऑटोमेटिकली उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग जाता है। तो इतनी शक्ति होती है ऐसी प्राप्ति स्वरूप आत्मा में, और इसीलिए कमल आसन दिखाते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा सदा पवित्र, न्यारी और प्यारी रहती है, अंदर से डिटैच रहती है, कर्म करती है, ज्ञान देती है, गुणदान भी करती है, वरदान भी देती है, परंतु देते हुए भी दुनिया से जिनको दे रही है, जिस सृष्टि में दान कर रही है, उस सृष्टि से विरक्त रहती है, उपराम रहती है। तो ऐसी आंतरिक स्थिति से संपन्न आत्मा की निशानी उन्हें फिर दिखाते हैं कि वो सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसी आत्मा अपनी आंतरिक भरपूरता से, अपनी सर्व संपन्न स्थिति से अन्य आत्माओं को भी संपन्न और संपूर्ण बना देती है। और इसीलिए साथ में गाय भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार जो गौ माता है उसमें सब देवों का विराजमान है, उनके अंदर सब देवों का निवास स्थान गाय के अंदर है। तो गाय भी भरपूरता का प्रतीक है, जिसमें सब दिव्य गुण विराजमान है। तो गुण, ज्ञान, शक्तियों, ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों की प्रत्यक्ष मूर्त माँ संतोषी है, जो स्वयं भी प्राप्ति स्वरूप है और सर्व को भी सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करके प्राप्तियों से भरपूर कर देती है। तो आज हम ऐसी दिव्य मूर्त बनने का बहुत सुंदर योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति। मस्तक के मध्य अपने ज्योति स्वरूप में सत्य स्वरूप में
स्वयं को देखें। चमकती हुई मैं मणि, देह रूपी मिट्टी से ऊपर, संसार की सब बातों से इस भव सागर से ऊपर, सब कुछ नीचे छोड़ दें, अंतर से ऊपर उठ जाएं, देह से ऊपर, देहिक संबंधों से ऊपर, कर्मों के जाल से ऊपर, मैं उपराम, जगत से न्यारी, और जगत पिता के प्यारी, कमल आसन धारी, संतुष्ट मणि हो, अनुभव करें अंतरात्मा की इस न्यारी प्यारी स्थिति को, महसूस करें, स्वयं शिव बाबा मुझे अपनी शक्तियों का प्रतिरूप बनाने, मुझे ज्ञान गुणों से सजाने, मुझे शिव शक्ति बनाने, बिल्कुल मेरे समक्ष है, महसूस करें, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम, सर्व प्राप्तियों का स्रोत, मेरे अंतर की कमियों को भरकर, मुझे अपने समान संपन्न संपूर्ण बना रहे हैं, अंदर तक स्वीकार करते जाएं, बाबा से निकलती ज्ञान रश्मियों को धारण करें, इस कृपाण को ये ज्ञान खड़ग है, माया के हर रूप का, हर प्रश्न का
उत्तर है ये। क्या क्यों के सब प्रश्नों को समाप्त करने का, सदा प्रसन्न रहने का शस्त्र है ये। हर परिस्थिति को ज्ञान युक्त होकर पार करने का अस्त्र है ये। धारण करें, महसूस करें बाबा, मुझे तीनों लोकों, तीनों कालों का इस संपूर्ण सृष्टि रूपी ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान दे। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, त्रिशूलधारी बना रहे हैं संसार में होते हर दृश्य को देखने का, एक नवीन दृष्टिकोण दे रहे हैं। प्रत्येक आत्मा के आदि मध्य अंत को समझने का, स्वयं को सर्व को सर्व दुखों से मुक्त करने का ये अस्त्र दे रहे हैं। धारण करें ज्ञान और योग से परिपूर्ण इस त्रिशूल को। महसूस करें प्यारे बाबा, मुझे अंदर से अपने समान मीठा बना रहे हैं। हर कड़वाहट दिल की खटास, मन के स्वारे द्वंद, हर उतराव चढ़ाव आत्माओं के प्रति भेदभाव, सब गिले शिकवों को मिटाकर इतना मीठा बना रहे हैं जो सब अपने से लगने लगे हैं। ये वसुधा कुटुंब लगती है, मैं हर आत्मा को उसके अनादि स्वरूप में देखती हूं और स्वीकार करती हूं कि ये मेरा ईश्वरीय परिवार सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, बहुत अच्छा है।
मैं हर आत्मा को वो जो है जैसी है बिल्कुल वैसे उसे दिल से स्वीकार करती हूँ। महसूस करें और धारण करें इस मिठास से भरे पात्र को, इस मिठास से भरी बुद्धि को। इस बुद्धि रूपी पात्र में अब सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना है। मैंने हर आत्मा को दिल से उसकी हर गलती के लिए माफ कर दिया है। महसूस करें आंतरिक हल्केपन को, मन बुद्धि की शुद्धता को। और ये आंतरिक परिपूर्णता मेरे हृदय में सबको देने का भाव जागृत कर रही है। फील करते जाए ईश्वरीय सानिध्य मुझे अंतर से परिपूर्ण कर रहा है, जिसे सब कुछ मिल गया। बाबा आप मिले जहां मिल गया, मैं अंदर से भर गई हूं, तृप्त हो गई हूं। महसूस करते जाए जैसे पाना था वो पा लिया। ना कोई इच्छा है ना कोई अपेक्षा, अब तो बस मुझे दाता के समान सबको देना है। विराजमान हो जाए सर्व प्राप्ति संपन्न सिंहासन पर, इस स्वर्ण सिंहासन पर। और वरदानी हस्त को समक्ष कर ले। सर्व प्राप्ति स्वरूप की स्मृति का तिलक मुझे जागती ज्योतात्मा को लग चुका है। मेरी दृष्टि में सर्व शक्तियां सर्व प्राप्तियां हैं। आत्मिक बेहद दृष्टिकोण है। हृदय की विशालता की तरह पवित्र मन की तरह महकते हुए गुणों की तरह ये पुष्प माला मेरे कंठ में विराजमान है।
धारण करें, सर्व गुणों से सुसज्जित गहनों से सज जाएं। महसूस करें अपने शक्ति स्वरूपा को और वरद हस्त शक्तिशाली दृष्टि से सर्वात्माओं को शक्तियों से संपन्न करते जाएं। जगत जननी स्वरूप को इमर्ज करें, विश्व कल्याणकारी वृत्ति को इमर्ज करें, दात्री बन मस्तक से शक्तियों का दान करें, मनसा वृत्तियों से आत्माओं की वृत्तियों को बदल दें, सुखद भावनाओं से आत्माओं के दुख हर ले देते जाएं, देते जाएं। अंदर की शक्तियों से निर्बल को बलवान बना दे, निर्धन को धनवान बना दे, महसूस करते जाएं। सर्वात्माओं की मनोकामनाओं को खुले दिल से पूर्ण करते जाएं, इमर्ज करें अपने समक्ष भक्तों की कतार को, जो झोली फैलाए हमारे समक्ष खड़े हैं, रात भर जागरण कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, बिना कुछ खाए मां को पुकार रहे हैं, अंतर के मात्र भाव को जागृत करें, सुने उनके दिल की पुकार को, और देते जाए जो जिसको चाहिए खुशियों का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का दान करते जाएं। बच्चों की, भक्तों की सर्व इच्छाओं को पूर्ण करते जाएं, उनकी हर कमी को खत्म कर उन्हें संपन्न बनाते जाएं, महसूस करें।
मेरे अंतर की ये संतुष्टता सर्वात्माओं को संतुष्ट कर रही है। मेरी आंतरिक भरपूरता सबके भंडारे भर रही है। मेरी आंतरिक ज्योत सबके बुझे हुए दीपकों को जगा रही है। मैं संतुष्टता की देवी संतोषी मां शिव शक्ति जगत कल्याणी वरदानी सर्व संपन्न देवी हूं। सर्व को संतुष्ट करने वाली मैं संतोषी मां हूं। स्थित रहे इस बेहद स्थिति में ओम शांति।